हेलो बाल मित्रों, नमस्ते। ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 तो स्टूडेंट, हम लोगों ने पार्ट 1 जिसमें हमने आधा व्याकरण किया था, अभी जो बाकी है वो भी हम थोड़ा पाठ्य पुस्तक के रिलेटेड यानी कि टेक्स्ट बुक में जो हमारा बाकी है वो भी हम पूर्ण कर ले, बाद में हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो टेक्स्ट बुक निकालिए और सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में और पेंसिल भी हाथ में। मैं बोलते जाऊंगी, आप लिखना है तो लिख भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रेडी हो? तो चलो निकालिए टेक्स्ट बुक और पाठ्य पुस्तक यानी कि। तो बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रथम डेट डालिए, फिर जो हम समान तुक वाले जो शब्द करते थे, सेम एस ऐसे शब्द जो बनते हैं वो शब्द करते थे। तो चलिए हम वह शब्द देख ले। मैंने आपको आगे भी ये सेम वन में हमने कर लिया है, इसीलिए हम ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और समझेंगे। ओके, तो एक है लताएं, तो उनके समान तुक होंगे कथाएं, प्रथाएं, व्यथाए। दो, सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीन नंबर, ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। चार, लिखावट, बनावट, सजावट एंड रुकावट। हमें सेम एक शब्द बनाकर लिखना है। नंबर पाँच, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। छः नंबर, चिड़िया, गुड़िया, बुढ़िया एंड पुड़िया। तो इसी तरह हमें समान तुक वाले शब्द टेक्स्ट बुक में लिखना है। बच्चे, ये जो टेक्स्ट बुक में चित्र है, तो चित्र देखकर आपको वाक्य लिखना है। तो स्टूडेंट, आप अपनी पसंद से भी ये वाक्य देखकर लिख सकते हो। मैं थोड़े बहुत जो दिखाई दे रहा है वो बता रही हूँ। एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको ऐसे कोई भी चित्र बताया जाए तो कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो जैसे एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक नाव है और उस पर एक जिसके पाल ध्वजा फहर रही है, नौका विहार कर रहे हैं, फिर एक बच्चा है जो पतंग चगा रहा है, गुब्बारे वाला है, नारियल के दो पेड़ हैं, एक जो यहाँ पे नाश्ते वाला है, जो नाश्ते की गाड़ी खड़ी है उस पर बच्चे आइसक्रीम के लिए खड़े हैं, छतरी लगाई हुई है, नीचे मेज और कुर्सी भी लगाई गई है, आदमी लोग, व्यक्ति लोग सारे बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको जो दिखाई दे रहा है वह दो बच्चे हैं जो रेती से खेल रहे हैं, एक लड़की जो हाथ में बुकेट लेके खड़ी है जो झा रही है। इसी तरह आपको इसका वर्णन करना है बच्चों। ओके, इसमें लिखा है परिच्छेद मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हमें गुजराती में नहीं करना। तो ये जो पैराग्राफ है उनको देखकर आपको इंग्लिश में लिखना है। तो हम सीखेंगे, एक चिड़िया थी, पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके तीन बच्चे थे, वह बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन शिकारी वहाँ आया, वह चियाड़ी चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया के बच्चों के घिस घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में चिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। तो मैं उनका इंग्लिश पढ़ रही हूँ, उनको आपको देखना है और इसी तरह तैयारी भी करनी है। ऐसा परिच्छेद आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलो हम हिंदी का इंग्लिश देख लें। अ स्पैरो लिव इन द ट्री, इट्स नेस्ट वॉज ऑन द ट्री, इट हैड थ्री यंग वंस, इट लिव्ड विद अ यंग वंस देयर। वन डे अ हंटर कम देयर, he wanted to kill the sparrow.
The sparrow told the young ones to sit in the nest, keeping their head down. The sparrows flew away from there and hid the leaves. The hunter did not see the sparrow and went away from there. तो बच्चों, ये आपका हिंदी का इंग्लिश जो मैंने किया था वो लिखा है, देखकर आपको भी पक्का करना है। तो इसी तरह ये चैप्टर यहाँ पूर्ण हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।